करने जा रहा हूं उस कंपनी का नाम है इंडस वीवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बायो एक्टिव जापान। अब ये ध्यान से मेरे सारे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ये मूवमेंट कम करें, क्योंकि ये अब क्या है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इनसे मिस होगा तो इनका नुकसान हो सकता है। 2007 में एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का जापान में चालू की गई, जो कि एक हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर ने चालू की। उसका नाम था बायो एक्टिव जापान। ये कंपनी हिंदुस्तान में 22,000 एकड़ जमीन में स्वयं की खेती करती है। किसकी? मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल प्लांट्स की। यह कंपनी 500 मेट्रिक टन की पैदावार, मतलब 5,00,000 किलो का प्रोडक्ट बनाती है। यह कंपनी 7 साल के अंदर 2007 से लेकर 2014 तक 14 बड़े बड़े देशों में पहुंच गई। ये कंपनी 7 साल के अंदर टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज में अपना प्रोडक्ट B2B मॉडल में देना शुरू कर दिया। तो ये कंपनी ने जब देखा कि हिंदुस्तान में ही आयुर्वेदा पर इतना फोकस हो रहा है, हिंदुस्तान में ही मेक इन इंडिया चालू हो गया है, तो 2014 को इन्होंने अपनी नींव हिंदुस्तान में डाली। उसकी डेट है 17 जनवरी 2014 को हमारी इंडस वीवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड का जन्म हुआ। 4 साल से इंडस वीवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड चल रही है। 4 साल के अंदर इस कंपनी ने 200 करोड़ का व्यापार हिंदुस्तान में किया है, जिसमें से 500 करोड़ रुपया इन्होंने हम और आप जैसे यूजर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट दिया है। लगभग 10 से ऊपर करोड़पति हैं और लगभग 40 से लोग ऊपर 10 लाख से ऊपर महीना कमा रहे हैं इस बिजनेस में। यह कंपनी पूरी तरह से अपने मिस्टर बी एस पतंजलि हमारे सीईओ हैं और ये बिट्स पिलानी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पेशे से साइंटिस्ट रहे हुए हैं। अब ये कंपनी का मैं बताऊं, कितने लोग यहां पे सीए हैं प्लीज हाथ उठाएंगे। पर केपीएमजी का नाम सुना आपने? कैसी कंपनी है? दुनिया की टॉप 4 कंपनी में आती है। केपीएमजी जैसी कंपनी अगर किसी कंपनी का ऑडिट कर रही है तो ये आपको क्या संकेत देता है? और बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इनको जानता तक नहीं हूं, ये क्या कह रहे हैं, ये सीए हैं। मेरे मुंह से मत सुनिए, आप इनसे सुनिए। अगर केपीएमजी नाम की कंपनी किसी कंपनी का ऑडिटर है तो इस बात का मतलब है उस कंपनी में अकाउंट्स बुक ये सब बड़े तरीके से रखे जाते हैं, बबाल होने की गुंजाइश नहीं के बराबर है। अब ये फिक्की का नाम सुना है कितने? फिक्की अगर किसी को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का अवार्ड देती है तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब हम पार्टी करें? इस बात का मतलब है कि हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तमाम बिजनेसेस को एकजुट करके आगे बढ़ाता अगर ये दे रही है, इसका मतलब इसके ये कंपनी बहुत अच्छी है। तीसरी चीज, ये कंपनी सीड से लेके शेल्फ तक अपना प्रोडक्ट है, अपना सब कुछ अपना है। सीड से लेके शेल्फ तक का मतलब है दोस्तों बीज से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ अपना। मैंने बताया था 22,000 एकड़ में खेती, 10,000 किसान काम करते हैं, 5,00,000 किलो की अपनी पैदावार, 80 से लेकर 100 करोड़ का ये टावर अभी बेंगलोर में लॉन्च हुआ है, जिसको मिस्टर कुंबले ने लॉन्च किया 18 जनवरी 2018 को, 1.5 साल पहले हमें बताया गया था। धन्यवाद। 1.5 साल पहले हमें बताया गया था ऐसा टावर लॉन्च होगा। खास बात देखिए 15,000 स्क्वायर फुट में यह है, 5 मंजिला है और सारा जमीन से लेकर सब कुछ अपना है कंपनी का। किसने पैसा पंप किया है? होल्डिंग कंपनी ने, जो कि क्या है? बायो एक्टिव जापान, बराबर है। तो इससे आप कंपनी की विजन देख सकते हैं कि ऐसे 4 टावर और आने वाले हैं। 2019 में दिल्ली में खुल जाएगा, कोलकाता में खुलेगा, गुवाहाटी में खुलेगा और मुंबई में खुलेगा। अब किसी बिजनेस में यह बेसिकली स्विस सर्टिफाइड है, सारे एक बड़ी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, पहली गवर्नमेंट की लाइसेंस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, अपने में एक बहुत बड़ी बात है। ये कंपनी जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पूरी सर्टिफाइड कंपनी है, ये पहली कंपनी है जो फास्टेस्ट प्रोसेसिंग इंसेंटिव देती है जिसमें कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगता। ये पहली कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑप्शन दे रही है, मतलब आपको कंपनी का मालिकाना हक दे रही है, जो कि मात्र 31 मार्च 2020 तक ही मिलेगा। यह कंपनी है जो 2019 में अमेरिका लॉन्च कर रही है। नॉमिनेशन यह है कि आप अपने
अपने बच्चों को भी ये बिजनेस को पास कर सकते हैं। अब दीवान का सवाल आता है, ये तो सब क्या करूंगा कैसे? सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होती है, आपका पैन कार्ड, वो सरकार को चाहिए कोई टैक्सेशन के लिए, आपका चेक बैंक की डिटेल, तभी उसी में पैसा आएगा। तीसरा, आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं। तो ये तीन चीजों पर देखे आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है, मुझे बस एक चीज पूछनी है कि ये बिजनेस प्लान आपको कैसा लगा?